हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है ऑल न्यू किया सेल्टोस 2023 और ये नया कलर ऑलिव कलर जिसको बोलते हैं ग्रीनिश टोन के अंदर। डीजल ऑटोमेटिक है, इसकी ड्राइव करके मैं आपको बताता हूँ। GT लाइन वेरिएंट है, टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ में, कि ये चलाने में जो है वो कैसी फील होती है। ऑल दो जो पावर वगैरह है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं किए गए हैं, बट जो बॉडी है, जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं और सस्पेंशन वगैरह हैं उनको ट्यून अप किया गया है, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आए वो जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगेन सबसे पहले जैसा कि रिव्यू में करते हैं, तो फ्रंट जो व्यू है गाड़ी का अच्छा है, बोनेट आप लोगों को दिख जाता है, सीट हाइट आप 8-way एडजस्टेबल यहाँ पर आप लोगों को मिलती है इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप ये टॉप एंड मॉडल लेते हैं तो। बाकी आपको हाइट एडजस्टमेंट तो मिलता ही है नीचे वाले वेरियंट्स में भी कुछ में, तो कोई परेशानी आपको व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं आने वाली है, चाहे ORVM की बात करें या IRVM की बात करें। बट पीछे अगर तीन लोग बैठे हैं और पीछे आपको व्यू नहीं मिल रहा है तो आपके पास में एक ऑप्शन है DRVM, ड्राइवर व्यू रियर मॉनिटर, तो इससे आप पीछे का जो व्यू है वो भी प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। खैर ये ORVM का तोड़ नहीं है कि इसका ऐसा नहीं है कि पीछे आप सामान भर दो और इसको यूज़ करो, बट स्टिल ये आपके पास में एक ऑप्शन है। इकोनॉमिकली भी कार सॉर्टेड है, 10.25 इंच के बड़े बड़े दो डिस्प्ले हैं, सभी चीज़ें अच्छी तरीके से दिखती है, सारे स्विचेस की प्लेसमेंट जो है वो हाथों में रीच में होती है, कोई परेशानी आपको हजम टच नहीं होती है। मेरी आदत है मैं थोड़ा सा पीछे बैठ के चलाना है, पसंद करता हूँ गाड़ी को, मेरी नॉर्मल हाइट है 5'10", तो इजीली तब भी मेरे हाथ कोने तक जा रहे हैं, सारे स्विचेस वगैरह जो है अच्छी तरीके से रीच हो पा रहे हैं, तो इजीली सभी चीज़ें जो है वो मेरा काम बन जाता है, लाइक प्रॉपर तरीके से मैं पूरी गाड़ी को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाता हूँ। अब आ जाते हैं कि जो चेंजेस वगैरह हुए हैं गाड़ी के अंदर उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले वाली किया सेल्टोस डीजल अगर आपके पास में है उससे आपको इसके अंदर क्या चेंजेस फील होंगे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप डीजल चला रहे हो तो आपको पहला डायरेक्ट जो बैठते से चलाते से फील होगा वो होगा NVH। इसके NVH पहले वाली सेल्टोस से इम्प्रूव किए गए। मैंने डीजल सेल्टोस पहले भी बहुत चलाई है तो मेरे को पता है उसका, उससे इसके NVH को और ज़्यादा बढ़िया बनाया गया है। केबिन नॉइज़ जो है वो कम हुई है डेफिनेटली फॉर श्योर, और वो चीज़ आपको फील भी होगी जब आप गाड़ी को चलाओगे, लंबा चलाओ। बट अगर जो लोग कंटिन्यूसली डीजल यूज़ कर रहे हैं उनको बैठते से चलाते से ही फील हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर ब्रेकिंग बाइट्स की बात करें तो अच्छी है ब्रेक्स, इसके अंदर आपको अब 18 इंचेस के टायर मिलते हैं 215 प्रोफाइल के, आगे पीछे आपको स्टैंडर्ड चारों डिस्क ब्रेक जो है वो मिलते हैं, चाहे बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, अक्रॉस ऑल द वेरियंट्स। एंड उसके बाद में एडास जो है वो आ गया है, तो ये एक नया फीचर यहाँ पर है जिसमें लीन कीप असिस्ट, जैसे कि अभी अगर स्टेयरिंग पे से ये हाथ मेरा हटा तो कॉर्नरिंग वगैरह पे अभी ऑलमोस्ट 95-90 के आसपास की स्पीड पे हूँ मैं, और इजीली जो है सेंटर में गाड़ी बना के रखता है ये एडास लेन कीप असिस्ट फंक्शन, और लेन डिपार्चर प्रोटेक्शन जो है वो भी है, लाइक अगर लेन से गाड़ी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो स्टीयरिंग खुद से वापस से अंदर लेके आ जाती है। तो ये दो फीचर जो है वो आप लोगों को मिलते हैं। अभी अगर लेन कीप असिस्ट बंद हुआ है, जैसे इस गाड़ी के अंदर ये बोल रहा है कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील, ओके वो फिर से वापस एक्टिवेट हो गया, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। और उसके बाद में आपके पास में क्रूज़ कंट्रोल जो है वो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल आ गया, एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जिसको बोलते हैं। सामने अगर कोई गाड़ी चल रही है, आपने स्पीड लिमिट सेट कर रखी है, तो वो गाड़ी की जो स्पीड है अगर ये गाड़ी डिटेक्ट कर लेती है कि पास जा रही है तो ऑटोमेटिक खुद की स्पीड स्लो कर लेती है, जैसे ही आगे से रास्ता क्लियर होता है ऑटोमेटिकली जो आपकी सेट स्पीड है वहाँ पर क्रूज़ करने लग जाती है कार। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ से जो ब्लाइंड व्यू मॉनिटर है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है, पर आपको एक एरो आ जाता है ऑरेंज कलर का। तो जो भी एडास के फीचर हैं, रियर ट्रैफिक क्रॉसिंग अलर्ट, वो सब आप लोगों को मिल जाता है, और अगर आप गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं पीछे से कोई आ रहा है तो उसकी भी वार्निंग जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये तो हो गई एडास की बात। नेक्स्ट, सस्पेंशन जो है उसमें चेंजेस हुए हैं कंपनी ने करे हैं, जो मेरे को लगे मैं बता देता हूँ। फ्रंट वाले सस्पेंशन हल्के से स्टीफर साइड है, रियर वाले थोड़े से सॉफ्टर साइड रखे गए हैं, बट हैज़न सच ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो जो थोड़े बहुत भी पोर्टोल्स हैं या बोल सकते हैं कि जो अंडुलेशन हैं वो आप फील कर सकते हो, बट वो आपको थकाते नहीं है उस वे में फील नहीं करते हैं जैसे कि थार में या उस टाइप की जो एकदम रोबस्ट SUV आती है उसमें फील करते हैं, अच्छी तरीके से जाती है, बट स्टिल जो मूवमेंट है वो हल्का सा आपको फील होता रहेगा अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपका जो मतलब लाइक रियर सस्पेंशन है उसको थोड़ा सा जो सॉफ्ट रखा है उसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि पीछे वेट कम होता है और जो पैसेंजर है वो ज़्यादा थकता नहीं है, मतलब उसको ज़्यादा मतलब फटीक जो है वो बॉडी को नहीं होने वाली, तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेटर जो है वो इसको बना देती है। और बाकी तो हैज़न सच पूरी गाड़ी का बिहेवियर सेम है। पावर ट्रेन की बात करें तो 1.5 लीटर ये जो डीजल इंजन है 114 PS के आसपास की पावर जनरेट करता है, 250 Nm ऑफ टॉर्क, और काफ़ी टॉर्की, काफ़ी पंची इंजन है। माइलेज की अगर बात करें तो अराउंड
18 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको हाईवे पे मिल जाएगा, 18 के आसपास। अब वो डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो, किस टाइप का हाईवे आप 100 से ऊपर ही क्रूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा डाउन जा सकता है, बट अगर आप कंट्रोल वे में अगर 80 के आसपास क्रूज़ कर रहे हो तो मे बी आप 20 तक भी जो है माइलेज इस इंजन के साथ में निकाल सकते हैं। बाकी सिटी में आपको वही 12 से 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास जो है ये माइलेज आप लोगों को देगा। इसके अंदर आपको ये जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स और 6 स्पीड IMT का जो यूनिट है, जो IMT जिसको अपन बोलते हैं इंटेलिजेंट मैनुअल गियरबॉक्स, तो वो ऑप्शन आप लोगों को जो है वो मिल जाता है। और मैनुअल जो है वो अब इसके अंदर नहीं मिलता है, IMT जो है वो कंपनी ऑफर करती है। तो ये दो गियरबॉक्स के ऑप्शन आपके पास में है। फिर इंजन ऑप्शंस आपके पास में कई सारे हैं, अगर आपको लेना है नॉर्मल 1.5 लीटर पेट्रोल तो वो आप ले सकते हैं IVT और IMT के साथ में। फिर जो नया टर्बो इंजन आ गया 1.5 लीटर जो कि ह्युंडई वर्ना में अपन चला चुके हैं, एल्गुजार में चला चुके हैं, उसमें 160 हॉर्स पावर है, 253 Nm का टॉर्क है, 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ में आता है और आप लोगों को IMT गियरबॉक्स के साथ में भी मिल जाता है। तो कई सारे इंजन ऑप्शंस जो है वो गाड़ी आपको ऑफर करती है। फिर इंटीरियर के भी कई सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, चाहे अगर आप GT लाइन लोगे, टेक लाइन लोगे, X लाइन लोगे, फिर HTX प्लस जो टेक लाइन के अंदर है उसके अंदर भी आपके पास में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। व्हील्स के जो ऑप्शंस हैं वो भी अलग अलग है, अभी जो मैं चला रहा हूँ उसमें 18 इंचेस के हैं, बट जो दूसरे वाले हैं उसमें आप लोगों को 17 इंचेस के व्हील्स जो है वो ऑफर करती है, और अलॉय व्हील्स भी आपको अलग अलग मिलते हैं। तो इंटीरियर, एक्सटीरियर, बम्पर और पीछे बॉडी किट, तो ऐसे कई सारी चीज़ें, और फिर आपके पास में 8 मोनोटोन कलर, ड्यूल टोन, आपके पास में 3 कलर जो है वो ड्यूल टोन में मिलते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना कि काइंड ऑफ कस्टमाइज करी हुई कंपनी से आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर इंटीरियर की बात करें, चाहे पर्टिकुलर मैं GT लाइन की बात कर लूँ, तो ऑल ब्लैक की फिनिश है, स्पोर्टी टच देता है, फिर 10.25 इंच के जो दो बड़े डिस्प्ले आ गए इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, इसमें भी आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर सपोज जैसे मैं इसका मोड चेंज करता हूँ, अभी जैसे मैंने स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया टैली, तो ये जो डायल्स हैं उनका मतलब ये चेंज हो जाता है। एक टाइम पे था कि सिर्फ और सिर्फ मर्सिडीज़ में ही ये चीज़ देखने को मिलती थी, ना BMW, ना ऑडी, ऑडी में भी जैसे वो कॉकपिट वाला आ गया स्कोडा पूरा लाइनअप में तो वो ठीक है, बट अभी नीचे की अगर बात करें 25 लाख से नीचे की, तो इकलौती मतलब गाड़ी थी ह्युंडई एल्गुजार जिसमें ये चेंज वगैरह होता था, फिर धीरे धीरे सभी में आया, अब इसके अंदर जो आया वो बहुत ही मैच्योर तरीके से दिया है, तो देखने में भी अच्छा लगता है, मतलब वो फील काफ़ी अच्छा देता है। ईको में अगर आप डालोगे देखो अलग हो जाएगा, और जो ग्राफिक्स बन के आते हैं वो भी कलर ऐसा नहीं है कि आंखों को चुभेंगे, चाहे रात में चलाओ या दिन में चलाओ, वो सूदिंग कलर का जो यूज़ है वो बहुत ही नीटली जो है वो कंपनी ने करा है। और बाकी फीचर में आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, इवन दो एक अगर मैं बात बताऊं तो जैसे ह्युंडई एक्सटर में अभी जस्ट देखा था, थोड़े दिन पहले चलाई थी उसको, इसमें भी आप लोगों को 4 तरीके से जो फ़ोन चार्ज करते हैं अपन ओवरऑल इन जनरल वर्ल्ड में, एक वायरलेस चार्जिंग हो जाता है, एक टाइप सी और एक टाइप ए, और एक ऑप्शन बचता है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, तो वो चारों आपको आगे ही मिल जाते हैं, पीछे 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाती है। तो ये सभी चीज़ें हैं। फिर म्यूज़िक का आ जाता है, तो 400 वॉट का 8 स्पीकर बोस का साउंड सिस्टम मिलता है, जिसमें आगे और पीछे आपको ट्वीटर और स्पीकर्स पूरा कॉम्बिनेशन जो मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, बट स्टिल हरमन कार्डिन जो है उसका तोड़ नहीं है, जो हैरियर में मिलता है वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, मतलब साइड बाय साइड आप इनको प्लेस कर सकते हो, हेक्टर का जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया, तो ऑलमोस्ट सारे जो म्यूज़िक मतलब बोल सकते हैं कि सिस्टम है वो बैक टू बैक अपग्रेड हो रहे हैं, टिल अप टू द बेंचमार्क जो है वो आ रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉपर टक्कर दे रहे हैं, मतलब एक को नीचे या एक को ऊपर जो है नहीं रह सकते हो, सारे एक दूसरे के लाइन में। अब आपको कौन सा साउंड ज़्यादा बेटर लगता है, मे बी पॉसिबल किसी लोगों को बोस को अच्छा लगेगा, किसी को हरमन कार्डिन का जो साउंड सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन जो है वो डिपेंड करने वाली बात है। डीजल इंजन की पर्टिकुलरली मैंने ऑलमोस्ट सारी बात कर ली है, ये पता नहीं क्यों मेरे को टॉर्की फील होता है चलाने में, मेरे को ये ज़्यादा मज़ा आता है, बट अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा साइलेंट फील वाली और ज़्यादा पंची कार चाहिए तो आप जो नया टर्बो पेट्रोल इंजन आया है उसको ऑप्ट कर सकते हो, और अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमारी रनिंग बहुत कम है और ना हमको पावरफुल गाड़ी चाहिए, तो जो नॉर्मल इंजन है इनका 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन उसका आप ऑप्ट कर सकते हो, उसमें आपको पावर भी कम मिलेगी, माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा, और रनिंग अगर आपकी कम है तो वही गाड़ी में मेंटेनेंस भी कम रहेगा, और बाद में जैसे डीजल की जैसे 10 साल की लाइफ है वो 15 साल आप जो है वो यूज़ कर पाओगे, तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी जो AC की कूलिंग है जब ऑन द गो, अभी जैसे मैं चल रहा हूँ 100-120 क्रूज़ कर रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ही अच्छा जो है वो क्लाइमेट यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, मतलब अच्छी तरीके से गाड़ी चिल हो रही है। बट अगेन जब मैंने इसको डीजल को सिटी में चलाया, थोड़ा सा स्लो चलाया, तो मेरे को उतना ज़्यादा इफेक्टिव इसका AC नहीं लगा कंपेयर टू जो मैं 7DCT वाला 1.5 लीटर टर्बो इंजन चला रहा था। तो ये एक बात है, स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स अगेन कियाइश या ह्युंडईश बोल सकते हो, मोस्टली लाइट वर्जन ही रहता है, हाई स्पीड पे भी इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं करता है, बट हाँ इसका थोड़ा सा ठीक रखा है, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको ट्यूनअप नहीं मिलती है, बट जो पहले मतलब जो था कि एकदम बिल्कुल लाइटनेस वगैरह वो सब चीज़ें, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी जैसे एटलीस्ट 105 के आसपास चल रही है, तो ठीक ठाक वेट जो है वो कैरी करा हुआ है।
तो आई गेस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने मेन मेन पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल वे में कवर कर ली हैं, और कार कंफर्टेबल है, थाई सपोर्ट भी मेरे को एज अ ड्राइवर सीट पे अच्छा मिल रहा है। यहाँ पर मेरे पास में को पैसेंजर 6 feet के हैं, और अगेन यहाँ पे लाइक आप लोगों के पास में वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, स्पेशियस केबिन है, पीछे भी अगर चाहें तो 2 बड़े एडल्ट और 1 बीच में छोटे बच्चे को आप बिठा के जा सकते हैं, और बूट स्पेस भी 433 liter का मिल जाता है, तो मोर देन इनफ आपके पास में स्टोरेज स्पेस रहती है पीछे, तो आप अपना सामान वगैरह भी कैरी करके जा सकते हैं। एंड एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक बाकी रह गई थी जो किया को ने थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस करी, वो ये पैनोरामिक सनरूफ। तो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर गाड़ी के अंदर आ गया है, जो थोड़ा सा और ज़्यादा एरी फील जो है वो आपको दे देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों की मैंने सारी चीज़ें पॉइंट्स जो है वो कवर कर दी होगी। अब हाँ, लास्ट में एक और चीज़ चलो बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही स्टिल। अगर पेट्रोल 7-speed वाला गियरबॉक्स के साथ में अगर आपको लेना है, और अगर डीजल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर लेना है, तो कौन सा लें? बिकॉज प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे आप ये चूज़ करो या वो चूज़ करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको चाहिए थोड़ा सा कि टॉर्किश वाला वाइब हो, और माइलेज का भी थोड़ा बहुत अगर आपकी ध्यान रहता है कि हाँ मेरे को गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, गो विद द डीजल 80। ये बहुत ही अच्छा गियरबॉक्स है, और इंजन भी स्मूथ है, रिफाइन है, पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसको डे बाई डे और ज़्यादा कंपनी बेटर जो है वो बनाई जा रही है, और कार के NVH और ज़्यादा बढ़िया हो गए, तो कोई परेशानी आपको आएगी नहीं। बट स्टिल अगर आपको चाहिए कि मेरे को तो परफॉर्मेंस ही चाहिए, मेरे को कम ही चलानी है मेरी गाड़ी, और माइलेज इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, सिंगल डिजिट भी अगर माइलेज आ रहा है सिटी में तो आपका काम हो जाएगा। हाईवे पर अगर थोड़ा बहुत डबल डिजिट आ रहा है और ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती है, देन गो विद दैट टर्बो GDI इंजन। तो ये था साइड बाय साइड कंपैरिजन भी मैंने आपको बता दिया, बाकी डेडिकेटेड उसके ऊपर वीडियो अगर आपको देखनी है आप वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ। नीचे कमेंट कर देना, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो जाना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय।